इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में एकाधिकारी के संतुलन पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके हम प्रस्तुत हैं। एकाधिकारी के संतुलन के संदर्भ में एक सैद्धांतिक तौर पर वीडियो पहले इसी चैनल पर उपलब्ध है, उसे पहले पढ़ लें, उसके बाद उसी पर आधारित ये संख्यात्मक प्रश्न हैं जिनको हम आज हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे आपको इसे समझने में और सुविधा मिलेगी। हम लोग जानते हैं कि पहले जो विश्लेषण हमने किया है उसमें हमने रेखा चित्रों का प्रयोग किया है। आज हम एकाधिकारी की लागत और आय की दशाओं को फलनात्मक समीकरणों के रूप में रखेंगे और उनके आधार पर संस्थिति की जो शर्तें हैं उन शर्तें के आधार पर हम उनके संतुलन में ये ज्ञात करेंगे कि वो कुल कितना उत्पादन करे, और जब उत्पादन करे तो कितना मूल्य ले, उसकी कुल लागत कितनी होगी, उसकी कुल आय कितनी होगी, उसका कुल लाभ कितना होगा, ये हम उत्पादक के संतुलन से निर्धारित कर सकते हैं। और जब उत्पादक के संतुलन के संदर्भ में हमें जो सूचनाएं दी जाएंगी, कम से कम दो सूचनाएं ऐसी रहेंगी जो उसके एक लागत से या लागत वक्र से संबंधित होगी और एक उसके आय वक्र से संबंधित होगी। वो सूचनाएं कुल लागत के रूप में, औसत लागत के रूप में, सीमांत लागत के रूप में, या इसी तरह से औसत आय, कुल आय और सीमांत आय के रूप में दी जा सकती है। जो मांग फलन होता है वही औसत आय का फलन होता है, और इस फलन को हम लोग क्वांटिटी और प्राइस के फलनात्मक संबंधों के रूप में लिखते हैं। ये संबंध दोनों तरह से लिखे जा सकते हैं, पी इज फंक्शन ऑफ क्यू या क्यू इज फंक्शन ऑफ पी, और इसको तदर रूप जैसी हमको आवश्यकता होती है हम उसको फंक्शन को उस रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो अगर लागत के फलन फंक्शन ऑफ क्यू या फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में होंगे, अर्थात वो उत्पादन की मात्रा के फलन के रूप में होंगे, तो आय के फलन भी हमको उत्पादन की मात्रा या क्यू या एक्स के रूप में ही बदलना होगा। अन्यथा अगर उसी रूप में दिया हुआ है तब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और हम उसको वैसे ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल हम लेके आए हैं, हम उनको दो विधियों से निकालने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जैसे हम किसी फर्म के संतुलन के बारे में निकालते हैं। अंतर इतना होता है कि अगर फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में है तो आय की दशाएं अलग होती हैं, और अगर वो एकाधिकार की स्थितियों में है तो आय की दशाएं अलग होती हैं। हम सब लोग भली भांति परिचित हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का जो मांग वक्र होता है या औसत आय वक्र होता है वो आधार के समानांतर होता है, और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में या एकाधिकार में ये वक्र ऊपर से नीचे दाईं तरफ गिरता हुआ होता है, अर्थात तो उसकी ढाल जो है वो गिरती हुई हमें मिलेगी, तो ऋणात्मक ढाल वाला ये वक्र होता है। तो बस अंतर इतना आएगा, लागत की दशाएं सारी परिस्थितियों में एक ही जैसी होती हैं क्योंकि वहाँ पर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या रिटर्न्स टू स्केल जैसी भी अल्पकालीन या दीर्घकालीन स्थितियाँ होंगी वैसी लागू होंगी, और अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों लागत वलन फलन जो है औसत लागत फलन यू आकार का होगा, और उससे के अनुरूप कुल लागत फलन या सीमांत लागत के फलन देखे जा सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है, देखिए एक हमें कहा ये एकाधिकारी का फंक्शन है, कास्ट का फंक्शन है, और ये टोटल कास्ट का फंक्शन है। तो टोटल कास्ट फंक्शन इज इक्वल टू सी 1/3 क्यू पावर क्यू माइनस 7 क्यू स्क्वायर प्लस
100 1 1 11 2 प्लस 50। और एक दूसरी सूचना मांग वक्र के बारे में दी गई है, तो डिमांड फंक्शन इज P इज इक्वल टू 100 माइनस क्यू। देखिए ये 100 माइनस क्यू दिया हुआ है, तो ये फंक्शन क्यू के रूप में है और लागत का फंक्शन भी क्यू के रूप में है, इसलिए हमको यहाँ कुछ नहीं करना होगा। कई कई बार इसी फंक्शन को उलट के दिया जाता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये फंक्शन ऐसे दिया जा सकता है। देखिए क्यू को इस पार कर दीजिए तो होगा क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस पी। देखिए ये भी मांग फलन है, यहाँ पर मांग फलन क्यू पी फंक्शन आप क्यू है, यहाँ पर मांग फलन क्यू ये फंक्शन आप पी है। तो मांग फलन अगर इस रूप में दिया हुआ हो तो हमको ऐसे बदल देना, इसको बदल के इस रूप में लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में क्यू होना चाहिए। यहाँ पर दोनों में क्यू दिया हुआ है, इस नाते इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने आपको रेफरेंस बस ये बता दिया कि जब मांग फलन दिया हो तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए कि वो किस तरह का है। दोनों एक ही टर्म में होने चाहिए, दोनों फंक्शन आप क्यू होने चाहिए या दोनों फंक्शन आप पी होने चाहिए, और तभी हम सवालों को हल कर सकते हैं। और इन दो सूचनाओं के आधार पर अब हम इतनी चीजें निकाल सकते हैं, टोटल आउटपुट, टोटल प्रॉफिट, एवरेज कास्ट और प्राइस, ये सब निकाली जा सकती है इसी दोनों सूचनाओं के आधार पर। तो संस्थिति या संतुलन में अगर आपसे पूछे कि लाभ कितना होगा, उत्पादन कितना होगा, प्राइस कितनी होगी, तो हर हालत में हमें उत्पादन का वो स्तर ज्ञात करना होगा जितना उत्पादन होगा। तो पहला काम हमारा ये होता कि हम कुल उत्पादन का निर्धारण करें और देखें कि एक अधिकारी संतुलन की स्थिति में कुल कितना उत्पादन करेगा। और एक अधिकारी जब कुल उत्पादन का निर्धारण करने जाएगा तो आपको याद है, पता है कि वो अपने लाभ को अधिकतम करने की दृष्टि से उत्पादन को निर्धारित करेगा, और अगर हानि हो रही है तो हानि को न्यूनतम करने की दशा में उत्पादन करेगा। जितना उत्पादन करने से लाभ अधिकतम हो या हानि न्यूनतम हो उतना उत्पादन करेगा। और उसकी दो शर्तें हमने पढ़ी हैं, एक शर्त पढ़ी थी कि उत्पादन उतना करेगा जिस पर उसकी सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर हो, और ऐसा अगर हो तो प्रत्येक फर्म का लाभ अधिकतम होता है, हानि न्यूनतम होती है, चाहे वो एक अधिकारी के अंतर्गत हो, चाहे एक अधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत हो, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हो, और चाहे वो मोनोपोलिस जो आपकी ओलिगोपोली है वहाँ हो अल्पाधिकार की। तो एक अधिकार में सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए, पहली शर्त। और यहाँ देखिए जरा छोटा चित्र मैंने बनाया है, ये औसत आय वक्र होता है ऊपर से नीचे गिरता हुआ एक अधिकार में, वहाँ विस्तृत व्याख्या की गई है जब ये एक अधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण पढ़ाया गया है, यहाँ जहाँ औसत आय और सीमांत आय वक्रों के बीच में संबंध पढ़ाए गए हैं। तो वैसे स्थिति में सीमांत आय वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है और औसत लागत वक्र यू आकार का होता है, सीमांत लागत वक्र भी यू आकार का होता है, और वो इसको इसको एक बिंदु पर काटेगा जहाँ एम सी बराबर एम आर होगा, और जहाँ काटेगा वहाँ ध्यान से देखिए एम सी वक्र नीचे से ऊपर उठ रहा है। अब जब कोई वक्र ऊपर उठता है तो वक्र की ढाल धनात्मक होती है, और जब कोई वक्र नीचे गिरता है तो उसकी ढाल ऋणात्मक होती है, क्योंकि एम आर वक्र नीचे गिर रहा है उसकी ढाल ऋणात्मक होगी, लेस देन जीरो होगी, और एम सी वक्र ऊपर बढ़ रहा है उसकी ढाल ग्रेटर देन जीरो होगी, प्लस होगी। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि संतुलन बिंदु पर जब एम सी बराबर एम आर होगा तो एम सी वक्र की ढाल एम आर वक्र से अधिक होगी, जितनी ढाल एम सी की होगी एम आर की ढाल उससे ज़्यादा होगी। तो ये दूसरी शर्त भी हमको मिल गई कि एक शर्त तो एम सी बराबर एम आर है, और दूसरा शर्त ये है कि एम सी की स्लोप एम आर के स्लोप से कम हो, और इस स्लोप को हम लोग उन वक्रों के डिफ्रेंसिएशन करके ज्ञात करते हैं, तो जहाँ हमको ज़रूरत होगी वहाँ हम उसको एम सी वक्र और एम आर वक्र को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनका अवकलन करेंगे, और जो हमारी एक्स की वैल्यू या उत्पादन की मात्रा संतुलन में आई रहेगी उसको वहाँ
रख कर देख लेंगे कि एमसी की ढाल अधिक है या आर की ढाल अधिक है। अगर एमसी की ढाल अधिक है तो संतुलन बिंदु सही है, अन्यथा गलत होगा। तो कई बार ऐसे सवाल आएंगे जिसमें से हमको ऐसी भी स्थितियाँ मिलेगी जहाँ पर एमसी बराबर तो एमआर होगा लेकिन वो संतुलन का उत्पादन या संतुलन का बिंदु नहीं होगा। तो इन दोनों सूचनाओं के आधार पर हमने कहा कि दो तरीके हैं निकालने के। एक तो हम एमसी बराबर एमआर कर दें और ऐसी स्थिति में लाभ अधिकतम होता है, और एक दूसरी विधि ये है कि हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट का अंतर निकाल के लाभ ज्ञात कर लें, और जब लाभ ज्ञात कर लें तो लाभ को अधिकतम कर दें। तो जब हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमम करेंगे वैसी स्थिति में भी उत्पादन का वो स्तर हमें मिल जाएगा जिस पर लाभ अधिकतम हो रहा है, और वो उत्पादन का स्तर होगा एकाधिकारी का। तो दोनों विधियां हम अपना सकते हैं और दोनों विधियों को हम आपको हल करके दिखा रहे हैं। पहली विधि हम निकाल रहे हैं कि एमसी बराबर एमआर करेंगे, और एमसी बराबर एमआर करने के लिए पहले एमसी निकालना होगा, पहले एमआर निकालना होगा। तो टोटल कास्ट दी हुई है उसका अवकलन करेंगे तो मार्जिनल कास्ट निकलेगी। तो ये देखिए, ये टोटल कास्ट दी हुई है, यहाँ से देखिए ये टोटल कास्ट है और इसका सी लिखा हुआ टोटल कास्ट को, और हमने सीधे एमसी बराबर लिख दिया डी अपान डी क्यू, डी सी अपान डी क्यू, अर्थात इस फलन का हमको अवकलन करना है। और इस फलन का अवकलन करेंगे क्यू के रेफरेंस में, तो ये तीन का यहाँ गुणा होगा, तीन बटा तीन एक आ जाएगा, और एक घात घटेगी तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ दो का सात से गुणा होगा या चौदह क्यू आ जाएगा, यहाँ से क्यू गायब होगा 111 आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये अवकलन करने पर हमको मिल गया है कि ये राशि हुई और यही एमसी है, सीमांत लागत। और अब अगर सीमांत आय निकालनी है तो हमको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, और डिमांड फंक्शन जो है वो पी को दिखाता है, और पी जो है औसत आय होती है, और इसमें जब हम उत्पादन या क्यू का गुणा करेंगे, पी इंटू क्यू करेंगे, तब जाके कुल आय ज्ञात होगी। तो ये देखिए लिख दिया टी आर बराबर पी इंटू क्यू, और इस पी में क्यू का गुणा करेंगे तो पी बराबर है 100 माइनस क्यू, इसमें क्यू का गुणा किया तो ये 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल कास्ट है, ये और ये सी टोटल कास्ट यहाँ है, ये मार्जिनल कास्ट यहाँ है, टोटल रेवेन्यू यहाँ है। और अब टोटल रेवेन्यू को अगर आप अवकलन कर दें तो सीमांत आय ज्ञात हो जाएगी। तो इस टी आर का देखिए डी अपान डी क्यू टी आर, अर्थात टी आर का हम अवकलन करेंगे तो ये आर मिलेगा, अवकलन जब करेंगे क्यू का तो ये क्यू यहाँ से गायब होगा और ये टू क्यू हो जाएगा। तो ये सीमांत आय हो गई, ये वाली, ये सीमांत लागत, ये सीमांत आय, ये दोनों मिल गए। दोनों को बराबर कर दीजिए तो उत्पादक या एकाधिकारी का लाभ अधिकतम होता है और संतुलन की शर्त होगी। इस नाते दोनों को बराबर करिए तो एमसी बराबर जब एमआर करेंगे तो ये एमसी है क्यू स्क्वायर माइनस चौदह क्यू धन 111, देखिए क्यू स्क्वायर माइनस चौदह क्यू धन 111, और ये है एमआर 100 माइनस क्यू के 100 माइनस क्यू, तो दोनों बराबर किया और पक्षांतर करके उधर जीरो करना है हमको। तो अब ये जब घटाएंगे तो ये क्यू स्क्वायर है और ये 14 क्यू है, ये 2 क्यू है, 2 क्यू इधर जाके धन होगा तो 14 में से 2 गए माइनस 12 क्यू, और 111 है इधर जाके 100 ऋण करेगा तो 11 बचेगा, तो ये आएगा। एक तरह से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, और वर्ग समीकरण को हम हल करते हैं और एक्स का मान निकालते हैं। हल करने में गुणनखंड की विधि अपनाएंगे, 12 को दो ही भागों में बांटेंगे, इसको माइनस क्यू माइनस 11 क्यू लिख सकते हैं, और फिर ऐसा लिख के ये देखिए गुणनखंड हो गया और अंततः क्यू माइनस वन क्यू माइनस 11 बराबर जीरो आया, और इससे दो उत्तर हमको मिले क्यू बराबर 1 और क्यू बराबर 11, ये दो उत्तर मिले। अर्थात संतुलन में एकाधिकारी का लाभ अधिकतम तब होगा जब या तो क्यू बराबर 1 है या तो क्यू बराबर 11 है, मतलब दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक होगा। अब कौन पर एक होगा वो आप दूसरी शर्त से पूरा कर सकते हैं कि क्यू बराबर 1 पर सीमांत आय और सीमांत लागत के स्लोप निकाल लें,
और क्यू बराबर 11 पर स्लोप निकाल लें, देखें कि किस पर पूरा होता है शर्त हमारी। और शर्त हमारी ये है कि सीमांत लागत की ढाल सीमांत आय से अधिक होनी चाहिए। और ढाल निकालने के लिए एमसी वक्र का फिर अवकलन करेंगे, देखिए एमसी वक्र का एक बार अवकलन करेंगे तो आएगा 2q-14, ये है एमसी वक्र, यहाँ 2q-14 आ गया। और इसी तरह से एमसी वक्र को अब निकालेंगे 11 बराबर 1 q बराबर 1 पर, q बराबर 11 पर, इसका मान निकालिए। q बराबर 1 तो लिखेंगे 2q बराबर 2 और 14 में से 2, ये माइनस है ये धन है तो आएगा -2, ये आ गया, सॉरी ये आ गया, जब एक है तो ये आ गया -12 है, 14 में से 2 गएगा, ये माइनस है ये 12 आ गया। और जब q बराबर 11 है तो यहां लिखेंगे 2 × 11, 11 × 22 में से 14 गए तो ये आ गया आपका, ये आ गया 11 × 22 और 22 में से 14 घटाना है तो 8 है प्लस, तो अब की बात धन आ गया 8। तो देखिए ये माइनस आया ये धन आया, और ये वक्र ऊपर उठता हुआ इसको धन आना चाहिए, इस बिंदु पर उठता हुआ होता है, तो ये प्लस आया किस पर, जब है 11 मान, इसका मतलब जब x बराबर, और दूसरे अगर यमाल की घाला घात आप देख लें, यमाल है यहाँ पर, ये देखिए यमाल ये है, इसका घात निकालेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि ये वक्र सीधा है, सरल रेखा इस नाते उसके प्रत्येक बिंदु पर ढाल बराबर होगी, -2 आएगी उत्पादन चाहे जो हो, तो इसकी ढाल है -2 यमाल की, इसकी ढाल है +8 और +8 ज़्यादा है माइनस से, अर्थात हमारी दूसरी शर्त पूरी हुई। और इस नाते जब क्यू का मान 11 होगा अर्थात एकाधिकारी 11 उत्पादन करेगा, वैसे स्थिति में उसका लाभ अधिकतम होगा। तो ये पहली विधि है जहां हम एमसी बराबर एमआर करते हैं, और एमसी बराबर एक में एक शर्त ये है और दूसरी शर्त ये है, दो शर्तों का पालन हमको करना होता है इस विधि में। सामान्य तौर पर वक्रों का जो स्वरूप होता है वो यहीं से पता चल जाता है, और लेकिन अब एक या 11 में से किस पर लाभ अधिकतम है ये कंफर्म करने के लिए दूसरी विधि अपनाना पड़ेगा, अन्यथा जो दूसरी विधि है वो यहां लिखा हुआ अल्टरनेटिव मेथड, क्योंकि लाभ को ही अधिकतम करना उसका लक्ष्य होता है, इस नाते हम चाहें तो लाभ का फलन निकाल लें और लाभ के फलन को मैक्सिमाइज कर दें, अधिकतम कर दें, और देखें किस उत्पादन पर अधिकतम होगा, जिस उत्पादन पर अधिकतम होगा वही एकाधिकारी का संतुलन में उत्पादन होगा। तो ऐसा करने के लिए हमको TR निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालने के लिए TC निकालनी पड़ेगी, TC दी हुई है संयोग से यहाँ, और डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है P के टर्म में, उसमें Q से गुणा करके हम TR निकाल लेंगे, TC में से TR घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, पाई लिखते हैं हम लोग अर्थशास्त्र में प्रॉफिट के लिए। तो ये है TR और TC, यहाँ अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं, तो TR ये है यहाँ पर, ये देखिए ये TR है 100q-q² हमने लिखा 100-q², ये TR है, इसमें से ये घटा दिया TC को, और TC को ब्रैकेट में लिखा हुआ क्योंकि इसके पहले माइनस है, इस नाते ब्रैकेट खुलेंगे तो सारे चिन्ह बदलेंगे, फिर लिखा 100q-q² -1/3q³, अब ये प्लस हो जाएगा 7q², ये -111q हो जाएगी, ये -50 हो जाएगा, और इनको हल करेंगे तो जहाँ जहाँ क्यू स्क्वायर है, जहाँ जहाँ क्यू है, जहाँ जहाँ इनको जोड़ लेंगे, ये क्यू क्यूब वाला टर्म अकेला है, इसको लिख दिया -1/3q³, और ये देखिए क्यू स्क्वायर है यहाँ और क्यू स्क्वायर है वहाँ, ये 7 प्लस है ये माइनस है तो बटेगा 6q² धन में, ये है 100q और ये 111q, तो इसमें से ये घटेगा, ये माइनस है इस नाते हो जाएगा -11q और ये -50 हो जाएगा, ये पाई का फलन है, ये लाभ का फलन है, ये मतलब ये TR है, ये TC है, और इनमें से इसको घटाया तो ये लाभ का फलन मिला, इसी फलन को हमको मैक्सिमाइज करना है। और फलन को मैक्सिमाइज करना कैसे मैक्सिमम होता है ये हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में पीछे पढ़ चुके हैं, और हमने देखा है कि मैक्सिमम के लिए शर्त है
कि पहली शर्त है कि फलन का फर्स्ट डेरिवेटिव पहला अवकलन शून्य हो, अर्थात डी पाई अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू जीरो होना मस्ट है, चाहे फलन न्यूनतम हो चाहे अधिकतम हो। तो यह पहली शर्त है, लेकिन अधिकतम न्यूनतम दोनों की यह शर्त है, लेकिन अधिकतम न्यूनतम का निर्धारण कैसे होगा, ये दूसरी शर्त से होगा। और दूसरी शर्त यह है कि इसी फलन का पाई का अगर हम दूसरा अवकलज निकालें, सेकंड डेरिवेटिव, तो हम उसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर क्यू अपान डी पाई स्क्वायर। द्वितीय अवकलन, पहला एक बार अवकलन करके दूसरे फलन का फिर अवकलन करते हैं, तो ये दो शर्तें पूरी होती हैं, डी पाई अपान डी क्यू और डी स्क्वायर पाई अपान डी क्यू स्क्वायर। इसका मान शून्य होना चाहिए और अधिकतम के लिए इसका मान जीरो होना, जीरो से कम होना चाहिए, लेस देन जीरो, ऋणात्मक होना चाहिए। और अब पाई वाले फलन को अधिकतम करने के लिए उसका पहला अवकलज निकालिए और उसका मान शून्य करिए। तो ये है, देखिए इसका अवकलज जब करेंगे तो तीन का यहाँ गुणा होगा, 3/3 गायब हो गया, 1 आ गया, ये बचा क्यू स्क्वायर, यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर, 2 × 6 = 12 क्यू, और ये 11 क्यू में से -11 बचा है, 50 जीरो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया, इसी के मान को हमको जीरो करना होता है, और इसके मान को जब जीरो करेंगे तो यही सरलता के लिए हमने इसके 12 क्यू के दो हिस्से किए, हमको गुणनखंड करना है इस समीकरण का, तो पीछे कर चुके हैं वही, उसी तरह से ये माइनस क्यू स्क्वायर लिख दिया, 12 क्यू को लिख दिया, प्लस क्यू प्लस 11 क्यू, मतलब क्यू प्लस 11 क्यू मिला के 12 क्यू हो गया, -11 लिख दिया, अब बराबर जीरो कर दिया, क्योंकि डी क्यू अपान डी पाई अपान डी का मान जीरो होना चाहिए। और जब इसको किया तो इसका फिर जब हम गुणनखंड कर लेंगे पछा वो करके, देखिए बड़े लिखा यहाँ क्यू कॉमन ले लिया और बड़े कर लिखा 1 - q, और जब ये खुलेगा तो ये है 1 और ये है -q² वही हो गया, -q² और 1 ये हो गया, और वहां से -q² -q हो जाएगा जो यहाँ है -q² q, और अगले में -11 अवकलन कर दिया, वो ले लिया कॉमन, 1 - 11 हुआ, खोलेंगे तो -11 प्लस क्यू, और ये देखिए प्लस क्यू प्लस 11 क्यू ये करके आ जाएगा, और इनको जब दो भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा q - 11, एक हो जाएगा 1 - q, q - 11, 1 - q = 0। तो दो खंड हैं इसके, या तो ये बराबर जीरो या तो ये बराबर जीरो, और ऐसी स्थिति में अगर q - 11 = 0 तो q = 11, अगर 1 - q = 0 तो q = 1। तो ये दो मान आ गए जो पहले आए थे, वही मान फिर आ गए इस विधि के माध्यम से भी, q = 11 q = 1। इस पर फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम होगा, चरम मान के लिए यह शर्त है। अब दूसरी शर्त हमको देखना पड़ेगा लाभ अधिकतमीकरण के लिए, और वो शर्त है ये, तो पहले ये निकालें इस फलन का, इस फलन का एक बार फिर अवकलन करेंगे तो हो जाएगा -2q - 2q, 12q का +12, जीरो हो जाएगा, 11 का कांस्टेंट है वो। और इस फलन में अब मान रखेंगे q = 1 और q = 11, जिस पर ये ऋणात्मक हो जाएगा उसी मान पर फलन अधिकतम होगा। तो जब हम लिखेंगे q = 1 तो देखिए हो जाएगा 2 × 1 2 × 12, 12 धन है और ये ऋण है, तो उत्तर आएगा -10। और कब किया था, जब 11 1 है तब, तो जब एक है मान, q का मान 1 है तो ये आएगा -10, और जब q का मान 11 करेंगे तो आएगा 11 × 22, तो -22 में से 12 गए तो आएगा -10, और यही हमको चाहिए मान, लेस देन जीरो चाहिए, और लेस देन जीरो इस मान पर हो रहा है, q = 1 पर यह धनात्मक है, इस नाते q = 1 पर लाभ अधिकतम नहीं होगा, उसको ऋणात्मक होना चाहिए था, और q = 11 पर यह ऋणात्मक है, -10 है, इस नाते q = 11 पर लाभ अधिकतम होगा, इसलिए एकाधिकारी 11 उत्पादन करेगा, तो हम एकाधिकारी का उत्पादन 11 होगा। तो ये इस विधि से जब निकालेंगे तब भी उत्पादन हमें पता चल जाएगा,
और जब हम एम सी बराबर एम आर वाले 20 से निकालेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा कि उत्पादन 11 है। यहाँ दूसरी शर्त के लिए हमको ये द्वितीय अवकलज का सहारा लेना पड़ता है, और यहाँ द्वितीय शर्त को पूरा करने के लिए हमको एम सी और एम आर के अवकलन करके उनके सेकंड डेरिवेटिव निकालने होते हैं, उनके डेरिवेटिव निकालने होते हैं फर्स्ट, और फिर उनके मान उनमें 1 और 11 रख के हमको देखना पड़ता है कि एम सी की ढाल ज़्यादा आई या एम आर की आई। अगर एम सी की ढाल ज़्यादा आई तो जिस मान पर एम सी की ढाल ज़्यादा आएगी उसी मान पर फलन का मान अधिकतम होगा। तो जब जब ये हल हो जाएगा कुल कितना उत्पादन एकाधिकारी करेगा और वो प्राप्त हो जाएगा, तो अब आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। चाहे प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट कैसे निकाल लो, इसी प्रॉफिट फंक्शन में एक्स बराबर 11 लिख दो, अभी मान आ जाएगा प्रॉफिट का। इसी प्रॉफिट फंक्शन में एक्स बराबर 11 हम लिखेंगे, तो जब एक्स बराबर 11 लिखेंगे तो ये देखिए नीचे यहाँ ये प्रॉफिट बराबर 1/3, यहाँ देखो -1/3 लिख दिया, 11 का क्यूब है, क्यू का क्यूब है तो 11 का क्यूब लगा दिया, यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ 6 क्यू स्क्वायर है, 6 11 का स्क्वायर, यहाँ 11 क्यू है तो 11 × 11, यहाँ 50, इसको हल कर लेंगे, 11 × 11 × 11 आएगा 1331/3, ये आएगा 11 × 11 121 × 6 726, ये आएगा 11 × 11 121, ये 50, सबको हल करेंगे, इसको भाग देके हल कर लेंगे 433 कुछ आ जाएगा, और ये सब हल करेंगे तो आएगा 111.3, यही प्रॉफिट है, ये कुल प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि मूल्य कितना लेगा, तो मूल्य का फंक्शन ये आपको दिया हुआ है, पी इज इक्वल टू 100 - Q, तो पी अगर क्यू का मान यहाँ रख दें तो पी का मान मिल जाएगा, यहाँ देखो लिखा पी बराबर 100 - Q, क्यू बराबर 11, 100 में से 11 गया तो 89 ये आ गया मूल्य। और अगर आपको औसत लागत पूछे तो ये देखिए कुल लागत दी हुई है, इसमें एक्स का इसमें क्यू से भाग दे देंगे, जब आप ऐसे है मान लीजिए सी है, इसमें क्यू से भाग दे देंगे तो ये औसत लागत हो जाएगी। तो जब आप औसत लागत सी में क्यू का भाग देंगे, जरा यहाँ देखिए हर पद में क्यू का भाग होगा, तो यहाँ क्यू का भाग होगा तो ये घात 3 से 2 हो जाएगी, यहाँ क्यू का भाग होगा तो घात 1 हो जाएगी, यहाँ से क्यू से भाग होगा तो क्यू अपान क्यू कट के गायब हो जाएगा, और यहाँ 50/Q बचेगा, और सब जगह क्यू के मान पर 11 लिख डालेंगे, और इनको जब हल करेंगे तो देखिए ये हल हुआ ऐसे, टी सी बटा क्यू है ये, और ये ए सी है, तो ये देखिए क्यू स्क्वायर ये फलन आ गया, इस फलन के मान में हमने 11 × 121/3 लिख दिया, यहाँ 7 × 11 = 77 लिख दिया, यहाँ 111 लिख दिया, यहाँ पर 50/11 तो 11 × 44 हो जाएगा, और फिर 6 × 60 11 × 55 कुछ करके ऐसे 4.5 करके लिख सकते हैं आप, और जब इनको जोड़ देंगे सब यहाँ से मिलके 121/3 × 77 इतना तो आ जाएगा 78.8, ये आ जाएगा औसत लागत। औसत लागत को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर टोटल कास्ट भी पूछ दे तो टोटल कास्ट में अगर आप यहाँ लिखेंगे 11 × 11 × 11, यहाँ 11 × 11, यहाँ 111 × 11, और यहाँ लिखेंगे 50, और सबको जोड़ घटा देंगे तो कुल मिलके आएगा 867, और 867 में अगर उत्पादन की मात्रा से भाग दे दें जो 11 है, तो 887 में 11 से भाग देंगे तो 78.8, ये आपकी औसत लागत यहाँ से भी पता चल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आपकी सूचनाएं यहाँ दी हैं, कोई पूछे एमसी लागत कितनी होगी, तो एमसी वाले वक्र में यहाँ 11 यहाँ 11 लिख के 11 का वर्ग और यहाँ 14 × 11, और ये निकाल के बता सकते हैं। कोई पूछे एमआर कितना होगा, तो 100 में से 2 में क्यू की जगह 11 लिख के 11 × 22, और 100 में से 22 घटा के कर दिया 78। तो ऐसे ही सारी इन सूचनाओं से सारी चीजें निकाली जा सकती है। तो हमने एक प्रश्न रख के एक फलन रख के आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि प्रोसीजर क्या है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। चाहे आप एम सी बराबर एम आर वाला फार्मूला अपना लीजिए, चाहे आप प्रॉफिट निकाल के उसको मैक्सिमाइज कर लीजिए, और
जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप हल कर लेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस विश्वास आएगा कि गलतियाँ आपसे नहीं होंगी। नहीं तो होता यह है कि जान लिया कि हाँ हाँ आ गया हमको समझ में, और जब आएगा तो लगा लेंगे, और जब लगाने लगेंगे तो गलतियाँ हो जाएंगी। और एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा कुछ उसमें करेगा कि आप वहाँ पर फंसेंगे। जैसे वो ये देखो ये कर देता, अगर यहाँ पर वो ऐसे लिख देता क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस p, और तब आप फंसते। क्यों? क्योंकि कहेंगे क्यू दिया हुआ, पी से इसमें पी का गुणा करेंगे तो क्यू इंटू पी बराबर टोटल रेवेन्यू निकल जाएगी। तो और जब पी पी का गुणा करेंगे तो आएगा 100p - p² अब देखिए ये इक्वेशन क्यू के टर्म में आपकी आ गई, पी के टर्म में गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। मान के फलन को भी क्यू के टर्म में होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि वो अगर अब आप इसको बदलना पड़ेगा कि पी को इस पार ले आइए, क्यू को इस पार ले जाइए, तब इक्वेशन आपकी पहले जैसी फिर हो जाएगी -q। और अब इसका उपयोग करेंगे, अब इसमें जब पी इंटू क्यू करेंगे तो ये क्यू के टर्म में आएगा, ये कि भी क्यू के टर्म में है, अब सवाल हल हो सकते हैं। तो दोनों या तो पी के टर्म में होंगे या तो क्यू के टर्म में होंगे। जनरली लागत वक्रों को पी के टर्म में नहीं दिखाया जाता, क्यू के टर्म में ही दिखाया जाता है। मांग फलन को आपको दोनों रूप में दिया जा सकता है, आपको देखना होगा किस रूप में दिया है और किस रूप में आपको चाहिए। अगर पी फंक्शन क्यू दिया है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन क्यू इज इक्वल टू पी दिया है क्योंकि मांग फलन दोनों तरह से लिखा जा सकता है, और वैसी स्थिति में आपको उसको परिवर्तित करके दोनों फलनों को एक फंक्शन में लाना पड़ेगा, अर्थात दोनों या तो क्यू पर निर्भर हों या तो दोनों पी पर निर्भर हों, और तब जाके वो सवाल हल होते हैं। तो जब ये सवाल आप हल करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हल करोगे, शुरू शुरू में अगर बहुत कठिन लगे तो हल्के हल्के सवाल लगाइए, छोटे छोटे सवाल लगाइए, और धीरे 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 आगे बढ़िए। और ये सवाल आपके पुस्तकों में मिल जाते हैं, वहाँ से आप देख करके लगा सकते हैं। बीच में आपको न्यूमेरिकल सवाल हम कभी कभार ऐसे निकाल निकाल कर आपको लगाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे सारे चैप्टर्स पर, और ताकि आप में थोड़ा सा वो डर खत्म हो जाए कि होता कुछ नहीं, बहुत कठिन नहीं, आसान सा है। लेकिन हम लोगों में भी महसूस करते हैं कि विद्यार्थियों से जब पूछते हैं तो कहते हैं कि वो जब हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं इनका मैक्सिमा मिनिमा का, तो वहाँ सब फंस जाते हैं, निकलता नहीं है, आता नहीं है। जबकि कुछ होता ऐसा कुछ नहीं है, फंक्शन वैसे ज्यों के त्यों हैं, और जहाँ आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ वो तभी होगा जब आपको नॉलेज नहीं होगा। तो और जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको पता चलेगा। जहाँ कहीं से भी आपको ये हर क्वेश्चंस मिल जाए, जहाँ कहीं भी लगाए हों, पुस्तकों में सवाल लगाए होते हैं, सवाल दिए होते हैं, दिए वाले सवाल नए आए तो जहाँ सवाल लगाया जब हुआ हल किया वहाँ से पढ़िए, वहाँ से आपको क्लू मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कैसे क्या करते हैं, और दिमाग में ये जब कभी भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएं तो पहले बात ये देखिए कि क्या सूचना हमको दी गई है, इन्हीं सूचनाओं से ये सवाल हल होगा, और इन सूचनाओं को हम किन सूचनाओं में किन सूत्रों का प्रयोग करके बदल सकते हैं। और जब वो कैलकुलेशन दिमाग में आपके पहले रहेगा कि इक्विलिब्रियम अगर मोनोपोलिस्ट के निकालनी है तो MC बराबर MR करना होगा, और MC और MR हमको निकालने आना चाहिए जो सूचना दी गई है उससे, और वो निकालेंगे आप। TC दी हुई, अभी मान लीजिए AC दे देता तो AC से MC नहीं निकलेगा, एवरेज कास्ट से मार्जिनल कास्ट नहीं निकाल सकते आप, मार्जिनल कास्ट तभी निकलेगी जब टोटल कास्ट आपको दी हो। तो एवरेज कास्ट में उत्पादन की मात्रा क्यू से गुणा करिए, जैसे यहाँ हमने प्राइस में क्यू का गुणा करके टोटल रेवेन्यू निकाली, वैसे औसत लागत वाले फलन में सी में क्यू का गुणा करके टोटल कास्ट निकालेंगे, और जब टोटल कास्ट निकल जाएगी तब उसका अवकलन करके मार्जिनल कास्ट निकालेंगे। यहाँ टोटल कास्ट दी हुई है, अगर औसत लागत दी हुई होती, ये वाला फलन जो निकला है ये देखिए, ये औसत लागत का फलन है, और ये फलन अगर दिया होता कि AC इज इक्वल टू 1/3 q² - 7 q + 11 + 50/11, वैसी स्थिति में आप इसको q से गुणा करके इसका पहले TC
टीसी निकालना पड़ता और तब अवकलन करके एमसी निकलता। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल है कहाँ का, सवाल में निकालना क्या है, सवाल पूर्ण प्रतियोगिता का है या सवाल एकाधिकार का है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता का है, ओलिगोपली का है, उसमें मांग वक्र लागत वक्र के स्वरूप कैसे होते हैं, ये सब दिमाग में रहेगा तब वो निकलेगा। आप जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में MR और AR बराबर होते हैं, तो अगर AR दिया है तो कुछ करना नहीं, आपको सीधे MR निकाल दीजिए, कह दीजिए यही यही AR है, यही MR भी होता है। लेकिन अगर एकाधिकार में है तो AR दूसरा होगा, MR दूसरा होगा। AR से भी MR नहीं निकलेगा, AR से TR निकलेगा, TR से फिर अवगुणन करके MR। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं, आगे फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, और बीच बीच में इस तरह से